रूल सेट करते हैं। अगेन अगर मुझे एक्सेस कंट्रोल करना चाहिए तो मुझे आरबीएसी की जरूरत है, आरएसी की जरूरत है, या दोनों की? एक्सेस कंट्रोल के लिए मुझे रूल बेस्ड होना जरूरी है, रूल बेस्ड होना जरूरी है, दोनों होना जरूरी है? दोनों ही एग्जैक्ट दोनों होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई जगह देखो, सबसे पहले रूल बेस्ड बताएगा कि हाँ इसी इंसान को परमिशन है, और रूल बेस्ड बोलेगा कि तेरे को भी लिमिटेड ही है, ठीक है, एक एरिया में जाके नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीजें एक साथ चलती है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपसे आप ही बोलो कि ये बेहतर है, कि रूल बेस्ड बेहतर है, रूल बेस्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना गलत होगा, ठीक है। ना ही ऐसा होना चाहिए कि रूल बेस्ड बेहतर है, रूल बेस्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों साथ में चलेंगे तभी एक्सेस कंट्रोल पूरा होगा, अदरवाइज लूपहोल निकलेगा एक्सेस कंट्रोल में, ठीक है। अगर आप बोलो कि सर रूल बेस्ड हटा दो, रूल बेस्ड होना चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उसमें हमने रूल डाल दिया कि कोई भी इंसान चाहे तो खुद का अगर मॉडिफाई करना चाहते तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई भी परमिशन लेनी है, ठीक है, और अगर इतना स्टॉक इससे ज्यादा है तो इससे लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कर दिया हम लोगों ने, एक रूल सेट कर दिया। रूल सेट करने के बाद भी क्या हुआ, रूल नहीं है, रूल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन कोई भी परफॉर्म करता जाएगा, इसका मतलब जब तक वो रूल के अंदर चल रहा है। यस, रूल्स में भी लूपहोल होते हैं ना, होते हैं नहीं होते, नियमों में लूपहोल होते नहीं होते, तो रूल में लूपहोल निकलेगा, पक्का निकलेगा, क्योंकि रूल रूल के अंदर रूल को फॉलो करते ही भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। जैसे सीए वो सीए के लिए देते हैं, सीए मंदिर जाता है तो सीए चढ़ता जा रहा है, जूते पहन के चढ़ता जा रहा है सीए, तो उसको कोई वो रोक के बोलता है कि मंदिर में जूते पहन के कहाँ जा रहा है, तो बोले बाहर तो ये लिखा है कि चप्पल बाहर उतार है, मैं तो जूते पहन रखे, मैं तो चढ़ूंगा, ठीक है, यहाँ लिखा ही नहीं है, यहाँ लिखो जूते जूते चप्पल बाहर उतार है, तो जूते भी उतार दूंगा, ठीक है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है, मैं तो बस नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो वकील होते हैं ना, जैसे सीए भी क्या करता है, वकालत ही करता है, तो ये जो लॉ पढ़ने वाले लोग और ये सब, ये तो रूल तोड़ना जानते ही हैं, तो ऐसे ही दुनिया में रूल बहुत टूटेंगे, ठीक है। तो केवल रूल बेस से काम ही चलेगा, रूल बेस भी होना जरूरी है साथ के साथ, ओके। सो आरबीएसी लास्टली एलिमिनेट्स डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब है चॉइस when providing access to objects, instead administrators or automated systems place subjects into roles, subjects receive only the rights and permissions assigned to those roles. तो पहले role लिख देंगे, ठीक है, कि एक chief manager ये काम कर सकता है, या फिर एक CEO ये काम कर सकता है, तो फिर वो सारे काम CEO ही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब तक उसके role में नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो भी इंसान CEO की position preside करेगा उसके system से, वो सारे काम कर सकेगा, ठीक है, ठीक है। Then रूल बेस्ड आरएसी डिफर्स फ्रॉम आरबीएसी बिकॉज इट इज लार्जली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है कि क्या करता है, वो कॉन्टेक्स्ट देखता है कि अच्छा सेम इंसान का सेम नहीं है, दिस इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, क्योंकि वो सिचुएशन देखेगा, वो रोल नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, सिचुएशन, ओके। अ मैनेजर फॉर एग्जाम्पल हैज द एबिलिटी टू अप्रूव हिज और हर एम्प्लॉइज आवर्स वर्क, हाउएवर व्हेन ही और शी अटेम्प्ट्स टू अप्रूव हिज और हर ओन आवर्स, a rule built into the application compares the employee record and the user sees that they are the same and temporarily removes the approval privilege, theek hai, note that this is dynamic and occurs at the time a transaction is attempted, this also sometimes is called dynamic rbac, isko dynamic rbac bolte hain, maine pehle se likh rakha hai, aap bhi likh lo, theek hai, principle of least privilege, is pe bhi separate short note aa sakta hai, theek hai, important, kya likha hai, All user accounts at all times should run with as few privileges as possible. अरे जितना जरूरत है उससे ज्यादा कुछ भी मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, 1% भी ज्यादा एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, फालतू में क्यों दे रहे हो? उसने बोला रूल ऐसे इस तरीके से डिजाइन करो अपना सिस्टम कि जिसको जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल ही ना पाए, ठीक है, एंड ऑल्सो लॉन्च एप्लीकेशन विद एज फ्यू प्रिविलेजेस एज पॉसिबल, सॉफ्टवेयर बग्स मे बी एक्सपोज्ड व्हेन एप्लीकेशंस डू नॉट वर्क करेक्टली विदाउट elevated privileges. The principle of least privilege is widely recognized as an important design consideration in enhancing the protection of data and functionality from any kind of compromises towards security. Design करते टाइम ही इस principle के बारे में सोचना बहुत जरूरी है. अगर मैं Facebook के बारे में सोच रहा हूँ तो Facebook बनाते टाइम ही Mark Zuckerberg को सोचना पड़ा होगा कि ये लोगों को access इतना इतना मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा, ताकि security हमेशा क्या रहे, managed रहे, ठीक है, अदरवाइज लोगों की सिक्योरिटी हर्ट होती है ना, ठीक है। पहले फेसबुक पे अकाउंट हैक होने के किससे बहुत आते थे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5-6 साल पहले की, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि वो हैकर अब मर गए, ठीक है, वो तो आज भी जिंदा है, लेकिन उतने अकाउंट अब हैक हो गए क्या, नहीं, इसका मतलब फेसबुक एडेड सिक्योरिटी लेके आए थ्रू व्हाट,
प्रिविलेज कम कर करके, प्रिविलेज रिड्यूस करते जा रहे हो, ठीक है, कि ऐसे ही नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आप चाहो तो ये छुपा सकते हो, आपके ब्राउजर लॉगिन दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, तो प्रिविलेज कम कर रहा है ना, मतलब जितना इन्फॉर्मेशन जितने को जरूरी है उतना ही उसको मिल रहा है, तभी तो वो लोग आगे नहीं जा पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट मैकेनिज्म, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है, आई होप ये आप लोग कर लेंगे अपने लेवल पे, ठीक है। अगेन दैट डजंट मीन कि एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, आई एम अगेन सेइंग दिस दैट इट डजंट मीन कि एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा सोचना गलती होगी, ठीक है, हाँ ऐसा सोचना गलती होगी, क्योंकि इनमें से भी एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, वेदर इट बी 2 मार्क्स 4 मार्क्स, ठीक है, तो इस एरिया में से आएगा, इस एरिया में से भी आएगा, तो लास्ट का जो पोर्शन है 59 से 65, इसमें 4 मार्क्स तो आपके है ही है पक्का, ठीक है, 4 मार्क्स तो आपके है ही है। और जनरली अगर आप समझेंगे कि अगर आपको एक चैप्टर 8 मार्क्स का भी आता है, अगर 8 मार्क्स के लिए भी आप तैयार है एक चैप्टर में लाने के लिए, तो बहुत अच्छा तैयारी है, ठीक है, बिकॉज 8 5 40, ओके। लास्ट चैप्टर, ठीक है, लास्ट चैप्टर में एक बार रिकॉर्डिंग कट कर देता हूँ।